हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी गवर्नमेंट की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। नोटिफिकेशन क्या है, जो सूचना जारी हुई है वो सूचना ये है कि जो यूपी पुलिस का एग्जाम था, जिसमें 60,000 के आसपास वैकेंसी आ रही है और 48 लाख कुछ बच्चों ने फॉर्म को भरा था, तो उसमें सबसे बड़ी न्यूज ये आ रही है कि इतना सारे जितने भी एग्जामपुर है, RWA की टीम है, यह संदेश बहुत सारे जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट थे, सभी टीचर्स ने मिलकर इको गार्डन में साथ दिए और उस भीड़ की वजह से आज यूपी गवर्नमेंट को झुकना पड़ा। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो एग्जाम कमेटी है उसने झुकाव लिया, मुख्यमंत्री जी ने उस पर ध्यान दिया और आज क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश जो पुलिस है उसका जो कॉन्स्टेबल का जो पेपर था 2024 का, जो अभी फिलहाल 4 शिफ्ट में हुआ था, जिसमें आपने देखा कि जो पेपर की आंसर की है वो पूरी तरह से, जैसे होता है ना कि जैसे राशन बट रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे गवर्नमेंट की तरफ से राशन बट रहा है उसी अनुसार ये पेपर भी बटा। और क्या हुआ लास्ट में कि सारे बच्चे जब रोड पे आ गए, आज तक ये आंदोलन चलता था, आज अभी भी ये सूचना मिल रही है कि यूपी गवर्नमेंट ने इस एग्जाम को कैंसिल करा दिया है, एग्जाम को कैंसिल कर दिया है और 6 महीने के अंदर दोबारा री एग्जाम होगा। तो ये पूरा जो हैशटैग ट्विटर पर कह सकते हो कि ट्रेंडिंग पे रहा, उसके बाद बच्चे रोड पे उतरे। ठीक है, इलाहाबाद हो, कानपुर हो या लखनऊ का इको गार्डन में बहुत सारे बच्चों की भीड़, लाखों के लोग बच्चों की भीड़ में इकट्ठा हुए और आज उसका निष्कर्ष ये निकल के आया कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो पेपर है वो कैंसिल कर दिया गया है और री एग्जाम कराया जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी खुशखबरी है। लेकिन आप सभी को पता है 69,000 के बाद एक भी भर्ती नहीं आई। कुछ बच्चे, रजत सिंह जैसे कुछ लोग हैं, कुछ दोस्त हैं, ठीक है, जो 2017 बैच है, जितने भी 18 बैच, 19 बैच, लगातार बैच बनते चले जा रहे हैं, लेकिन ये भर्ती नहीं आने की वजह से बच्चे बेरोजगार की दिशा में बैठे हुए हैं। तो क्या 10-15-20 बच्चे वहां पहुंच पा रहे हैं? और बच्चों की जो संख्या है 2017 से, आप बोलो 17 बैच, 18 बैच, 19 बैच, 20 बैच, 21 बैच, 22 बैच, 23 बैच और ये 2400 बैच के एडमिशन हुए हैं, तो लगभग अगर हम बात करें तो 6, 2, 8 में अगर कोविड टाइम के 2 बैच हटा दो आप, डायरेक्टली 6 बैच बच रहे हैं। ठीक है, एक बैच में अगर हम मोटा मोटा लेके चलते हैं कि 10 लाख बच्चे, नहीं 10 लाख लेके चलते हैं, 2 लाख बच्चे लेके चलते हैं, ठीक है, दो, तो 6 अगर बैच चले तो 6 दूनी 12 लाख बच्चे हो गए। ठीक है, 12 लाख में अगर क्या 1 लाख में बच्चे नहीं पहुंच सकते, 10,000 बच्चे नहीं पहुंच सकते, 5,000 बच्चे नहीं पहुंच सकते, 1,000 बच्चे नहीं पहुंच सकते, पहुंचना चाहिए। अगर वो पहुंचे होते तो आज क्या होता, आज भर्ती बोर्ड जो है, ठीक है, जो शिक्षा मंत्री समान अनुपात लेके बैठ रहे हैं, लेके आ रहे हैं, लगातार चीजें वो कह रहे हैं, तो ये चीजें यहां पर संभावित हो जाती। ठीक है, वैकेंसियां आ चुकी होती और आज इसी बच्चों के ना पहुंचने की वजह से ऐसा हो पाया है। ठीक है, अगर यूपीपी की तरह ही सारे कोचिंग वाले, सारे बच्चे, सभी लोग एकत्रित होकर यहां पर अगर पहुंच जाए, इको गार्डन पहुंच जाए या हर जगह धरना दे दे, तो ये चीज संभावित है, ऐसा नहीं कि संभावित नहीं है। जब तक गवर्नमेंट, भाई गवर्नमेंट तुम्हारे ऊपर दबाव बनाती कि नहीं बनाती है, मुझे ही वोट देना, मुझे ही वोट देना, तो तुम उनसे नहीं कह सकते हो अपनी बात को, सिर्फ राशन खाने के लिए बैठे हो और तुम्हारी बुद्धि में यह भी नहीं पड़ रहा है कि जो राशन जो गवर्नमेंट तुमको दे रही है, तुम्हारे ही टैक्स से, तुम्हारे ही लिए हुए पैसे से दे रही है। ये चीज तो समझ में आ रही है कि ये चीज भी समझ में नहीं आ रही है। तो मेरी यही है कि जो बच्चे पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, रजत सिंह जैसे बच्चे भाई लोग इको गार्डन में है, ठीक है, रजत भाई हो गए और बहुत सारे भाई लोग हैं जो इको गार्डन में धरना दे रहे हैं। आज 20वां शायद धरना है या 21वां धरना है। ठीक है, तो कोशिश यही है कि आप सभी लोग जाइए, धरना को प्रबल बनाइए, मैं भी कोशिश करूंगा कल संडे कल पहुंचने की। ठीक है, सभी लोग ज्यादा से ज्यादा एकत्रित होइए और एकत्रित होने के बाद यही है कि जिस तरह यूपीपी का जो पेपर है वो कैंसिल जो हुआ है, जिसको कैंसिल कर दिया गया है सभी शिफ्ट को, वैसे ही इसी धरने को तेज करके यूपी में शिक्षक भर्ती निकाली जाए। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है 1 लाख से ज्यादा पद खाली हैं और लगातार इन 7-8 सालों से शिक्षक रिटायर्ड भी हो रहे हैं, शिक्षक रिटायर्ड भी हो रहे हैं। ठीक है, तो जो रिटायर्ड हो रहे हैं वो क्या उनकी सीटें भरी हुई हैं या अब योगी बाबा बाबाओं को बैठा रहे हैं या साधुओं को बैठा रहे हैं? ठीक है, तो कोशिश करो, कोशिश
किए बिना आपको सफलता भी नहीं मिलती, और प्रेजेंट टाइम पे जो गवर्नमेंट है उसमें कोशिश किए बिना आपको सीट भी नहीं मिलेगी, ठीक है। और खाना तो तुमको देंगे, वो भरपेट तो नहीं दे रहे ना, राशन से तुम्हारा अगर जीवन चल सकता है तो भाई राशन ही ले लो, ठीक है। शिक्षा क्यों ले रहे हो, शिक्षा क्यों ले रहे हो आप? हमारी आज का बात करने का सिर्फ यही मतलब था, ठीक है, कि भाई जिस तरह यूपीपी का पेपर कैंसिल हो सकता है, हो गया है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो ये बिजनेस स्टार्ट हुआ है ना नकल माफियाओं वाला, इसको पूरी तरह से रोकना चाहिए। क्योंकि विगत 2017 से आप उठाकर देख लो, कोई सही, चाहे वीडियो की हो, यूपीएसआई हो, 2021 यूपीएसआई हो, बहुत सारे एग्जाम में फ्रॉड हुआ। केंद्रीय विद्यालय के जो केवीएस के जो एग्जाम होते उसके इंटरव्यू में तक ये सब फ्रॉड चला, होना चाहिए, ठीक है। तो जिस तरह यूपीपी के बच्चों ने एकजुट होकर, शिक्षकों ने, कोचिंग संस्थानों ने एकजुट होकर ये मुहिम चलाई कि नहीं री एग्जाम होना चाहिए, तो होना चाहिए, बेसिकली हम इसके लिए मर जाएंगे, तो गवर्नमेंट को झुकना पड़ा। और अगर यही 1 लाख बच्चे, 10,000 बच्चे इको गार्डन पहुंच जाए, ठीक है, सभी भाई बहन मिलकर, तो ये संभव है। तो ये संभव कौन बनाएगा? आप सभी लोग, हम सभी लोग बनाएंगे। तो सभी शिक्षकों से निवेदन है और सभी भाइयों और बहनों से निवेदन है कि इस मुहिम को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाओ और कोशिश करो संडे को या किसी एक दिन को एक डेट निश्चित करते हैं, ठीक है, और धरने को तेज करो ताकि यूपी में भी शिक्षक आ सके, शिक्षक भर्ती आ सके, ठीक है। सभी को राधे।